गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा है कि सब लाइफ में मस्ती में होंगे। तो आज मैं लेके आ गया हूँ टाटा अल्ट्रस डार्क एडिशन का ओनरशिप रिव्यू। तो मेरे साथ है मिस्टर अभिषेक। अभिषेक जो इस गाड़ी का ओनर है, ये पिछले 2 साल से ये गाड़ी चला रहे हैं। तो आज हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे इस गाड़ी का प्रोज एंड कॉन्स। अगर आप लोग 2024 में ग्रैंड रिन्यूअल बोल रहा हूँ टाटा अल्ट्रस अगर आप लेते हैं तो क्या आप इसके साथ जी पाएंगे। अगर मैं गाड़ी का एक ओवरव्यू दे दूँ तो ये डार्क एडिशन है, टॉप मॉडल टाटा अल्ट्रस का एग्जेड प्लस। इसमें आपको डार्क फिनिश में अलॉयज मिल जाता है। बॉडी के ऊपर आपका इंडिकेटर रहेगा, डार्क एडिशन का बैजिंग रहेगा। हेडलाइट की अगर बात करूँ तो आपको प्रोजेक्टर मिल जाता है, नीचे फॉग लाइट है हेलोजन में, बड़ा सा टाटा की लोगो, नीचे स्प्लिटर जैसा फिनिश दिया हुआ है। यहाँ पे आपका टोइंग हुक रहेगा, ऊपर में नॉर्मल कन्वेंशनल शॉर्ट एंटीना रहेगा। पीछे में फीचर्स की तरह यहाँ पे सी पिलर में आपका डोर हैंडल रहने वाला है। पीछे वाइपर डिफॉगर दोनों अवेलेबल है। डार्क बैजिंग में आपका अल्ट्रस लिखा हुआ रहेगा। यहाँ पे आपका रिवर्स कैमरा, 2 पार्किंग सेंसर पॉइंट रहेगा, एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे। पीछे का टेल लाइट एलईडी में है, हैलोजन में आपका इंडिकेटर रहेगा बट स्मोक्ड है। पीछे के अगर स्पॉयलर की बात करूँ तो इसमें भी थोड़ा स्प्लिट फिनिश है, जैसे इस साइड पे और इस साइड पे। बूट स्पेस की अगर बात करूँ तो आपको कुछ इतना बड़ा बूट स्पेस मिल जाता है। तो इसके इसमें पार्सल ट्रे भी आता है बट पार्सल ट्रे रिमूव किया हुआ है फिलहाल। सीट जो है वो बेंच फोल्ड पे है पीछे का। आइए पीछे के पीछे का डोर कुछ इस तरह है। आपको ट्विटर मिल जाता है ऊपर में, नीचे स्पीकर, बॉटल होल्डर के लिए स्पेस, थोड़ा सा कभी स्पेस, पावर विंडो की कंट्रोल, लॉक डोर अनलॉक की बटन ऐसे हो जाएगा लॉक। पूरा लेदराइट फिनिश है। बीच में आपको आर्मरेस्ट मिल जाएगा, 2 हेडरेस्ट है बट कप होल्डर अवेलेबल नहीं है। पीछे में आपको एसी मिल जाएगा विद 12 वोल्ट पावर सॉकेट। सीट के पीछे आपको मैप पॉकेट्स भी मिल जाएगा। सामने पे अगर आते हैं तो डोर पे सारा पावर विंडो के कंट्रोल्स, आउटसाइड रियर व्यू मिरर के कंट्रोल्स, बॉटल होल्डर, ट्विटर, स्पीकर। इसमें आपको पुश बटन स्टार्ट मिल जाएगा ऑटोमेटिक हेडलाइट के साथ, और ट्रैक्शन कंट्रोल भी अवेलेबल है और ऑटो स्टार्ट स्टॉप भी। बीच में आपको एक छोटा सा आर्मरेस्ट मिल जाता है, थोड़ा सा स्पेस रहेगा अंदर। बीच में बॉटल होल्डर, इको की बटन, 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स, थोड़ा सा स्पेस, ऑटोमेटिक एसी, एक टच स्क्रीन, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी आपको पास अवेलेबल है। गाड़ी स्टार्ट करने पर कुछ इस तरह आपको एनिमेशन दिखाएगा। एनालॉग डिजिटल क्लस्टर मिल जाता है। ऊपर में आपको सनग्लास होल्डर भी मिल जाएगा। इनसाइड रियर व्यू मिरर आपका मैनुअल रहने वाला है। टायर प्रोफाइल की बात करूं तो आपका रहने वाला है 185/60R16। चलिए दोस्तों अभी आगे बढ़ते हैं और गाड़ी का ओनरशिप के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं अभिषेक से पूछने वाला हूँ कि ये गाड़ी आपको टोटल ऑन रोड कितना पड़ा? टोटल ऑन रोड 10 लाख पूरा, एकदम 15 इयर्स लाइफ टाइम टैक्स ली थी, 10 लाख पूरा पूरी। और ये गाड़ी ही क्यों, व्हाई टाटा अल्ट्रस? टाटा का एक अलग भरोसा है, मतलब सेफ्टी के लिए। दैट वाज अ बुलशिट बाय द वे। मेन थिंग इज मैं बहुत सारा गाड़ी देखा था उस वक्त, एंड ये 2022 की है वैसे, अभी तो नया वाले में सनरूफ आ गया है, बट एट दैट टाइम वो क्या ना, मैं बहुत सारा गाड़ी देखा था लेकिन अल्ट्रस का जो कंफर्टेबिलिटी था वो सबसे बेहतरीन था। मतलब इसका जो कम्फर्टनेस है, इतना स्मूथ है, जब रोड टेस्ट लिया ना, टेस्ट ड्राइव, दैट वाज जस्ट अमेजिंग, ब्यूटीफुल, एंड स्टिल नाउ इट्स ब्यूटीफुल ऑन रोड्स। और उसके अलावा तो टाटा का 5-स्टार सेफ्टी का भरोसा भी तो है। हाँ वो है, बट मुझे अपने पे भी भरोसा है। और इससे पहले कौन सा गाड़ी था आपके पास? इसके पहले मेरे पास था एक होंडा सिटी। वो बेचने का रीज़न या उससे हैचबैक पे आने का रीज़न? सी एकदम ऑनेस्ट बोलूँ तो बजट, बट मेन थिंग वो नहीं था, हैचबैक मेरे को चलाना था एंड अल्ट्रस वॉज अ गुड फिट फॉर इट। एंड आई वॉज लुकिंग अ कार ऑफ अराउंड 10 लैक्स ओनली, एंड उस रेंज में अच्छा कोई सीडान था नहीं,
इसलिए आई डिडंट गो फॉर सेडान देन। एंड मेरा होंडा सिटी था भी वैसे 2009 वाला डॉल्फिन एडिशन, सो उसके बाद अल्ट्रोज, इट्स नाइस बट आई स्टिल मिस द सेडान वाला वाइब दो। तो मतलब इसके बाद जो गाड़ी आने वाला है वो होंडा सिटी का चांसेस ही ज़्यादा है। इस गाड़ी से रिलेटेड कोई स्टोरी है, कोई ट्रिप पे लेके जाना कहीं पे? हाँ, बहुत सारे जगह में गए, जैसे कि आप देख रहे हो अभी इसका मतलब वीडियो कर रहा है लेकिन पूरा टोटली सॉइल्ड कार। मेन थिंग इज आज सुबह मैं उठ नहीं पाया नींद से, कल रात को बहुत लेट लौटा, एंड इसको लेके मैं जाता हूँ बहुत घूमने, है ना, इधर आसपास ही जाता हूँ, ज़्यादा दूर नहीं वैसे, लेकिन इसका वो हाईवे का जो एक्सपीरियंस होता है एकदम बहुत मस्त होता है। मतलब इट्स अ ऑलराउंड कार, इट्स अ एब्सोल्यूट अ वेरी नाइस कार एंड अ कंप्लीट टोटल पैकेज अंडर 10 लाख। और बाय द वे भाई का जो ये गाड़ी लेने का जो प्लान था ना, वो मेनली सिर्फ लॉन्ग टूर पे, वो अकेले नहीं जाते, इनके साथ इनका पेरेंट्स भी जाते हैं, तो उनका कंफर्टेबिलिटी भी एक मतलब एक प्रायोरिटी था गाड़ी लेते वक्त। अभी भाई से पूछते हैं कि माइलेज से रिलेटेड, माइलेज सिटी में कितना है और हाईवे में कितना है? देखो ये एकदम ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ, सिटी में माइलेज है इसका 11.5 to 12। ये मेरा पेट्रोल की गाड़ी है, पेट्रोल ये सिटी में विथ एसी ऑन माइलेज देता है 11.5 to 12, लेकिन हाईवे में ये 15-16 दे देती है। यू आर प्रीटी सैटिस्फाइड विद दिस? या आई एम प्रीटी सैटिस्फाइड विद दिस। मेरा होंडा सिटी मेरे को 6 देता था, तो 6 से 11 इज क्वाइट अ गुड जंप। अच्छा एक चीज़ मैं पूछता हूँ, मतलब अभी जितना भी हैचबैक अवेलेबल है मार्केट में टाटा अल्ट्रोस का जो कंपटीशन में, जैसे कि i20 हो गया या ग्रैंड टेनियोस हो गया, ग्रैंड टेनियोस टेक्निकली नहीं होता फिर भी हम पकड़ ले रहा है, फिर बलेनो हो गया, ये सब 4 सिलेंडर इंजन है, जहाँ पे अल्ट्रोस में अभी भी 3 सिलेंडर इंजन आता है, तो उससे थोड़ा रिफाइनमेंट का इशू नहीं लगता है? देखिए मैं क्या ना, उतना मैं सेवी नहीं हूँ विद द टेक्नोलॉजीज, 3 सिलेंडर 4 सिलेंडर, आई डोंट नो वो डिफरेंस क्या होता है। मेरे को ये चलाने में मस्त लगता है, अच्छा लगता है, एंड ऑनेस्टली ऑनेस्ट रिव्यू फॉर न्यू Hyundai i20, मेरा पर्सनल बिलीव है इस उसका पहला वो पिछला द फोर्थ जनरेशन लुक आई गेस वो बहुत बढ़िया था, बहुत Elite i20 द लास्ट जनरेशन ऑफ i20 विच आई लाइक द मोस्ट, और उसके बाद अभी जो आ रहा है इतना pointy दैट कोट अनकोट इट लुक्स सो pointy फ्रॉम द डिक्टेटर मूवी, सो मुझे वो अच्छा नहीं लगता, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल लगता है, एंड आई डोंट नो अबाउट द सिलेंडर्स, मेरे को उतना आइडिया है नहीं, सो मेरे को चलाने में मज़ा आता है, आई लव ड्राइविंग। अच्छा, और इसका सर्विस से अगर रिलेटेड मैं बोलूँ तो उसका सर्विस कॉस्ट कैसा है? सर्विस कॉस्ट इज फाइन ओनली, मतलब मैं साल में 3 या 4 बार करता हूँ डिपेंडिंग ऑन कितना मैं जाता हूँ बाहर, तो वही जब भी सर्विस कराने जाऊँ तो वही अराउंड 2500 to 3000 मैक्स 3500, अगर कुछ अलग से डेंट डोंट हो गया वो अलग बात, लेकिन इससे ज़्यादा तो होता नहीं है। मतलब उसमें क्या एसेंशियल ऑयल्स वॉयल्स सब चेंज हो के? हाँ। और सर्विस नहीं, जब मतलब साल में एक बार शायद वो इंजन ऑयल चेंज करते हैं, तब अराउंड 7-7.5 thousand ऐसा कुछ जाता है, मतलब 7-7.5 thousand तक हो जाता है। और अगर मैं बोलूं कि सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस कैसा है, क्योंकि आजकल सभी तो मीम में बोलता है ना कि टाटा का सर्विस सेंटर बहुत बेकार है। नहीं नहीं भैया, मेरा जो सर्विस सेंटर है इधर का दुलीचंद सर्विस सेंटर, बहुत ही अच्छा सर्विस देता है, मेरे आई एम प्रीटी मच सेटिस्फाइड विद इट। मेरा घर से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, सो इधर मैं यहाँ के सुबह गाड़ी दे देता हूँ, एंड वो होने के बाद मेरे को कॉल कर लेता है, मैं आता हूँ, मेरे को एकदम अच्छे तरीके से अटेंड करता है मेरे को। तो मतलब आपके एब्सेंस में भी गाड़ी अच्छे से सर्विस होता है? एकदम अच्छे से सर्विस, उसके बाद गाड़ी में कोई कंप्लेंट नहीं, सर्विस सेंटर में रहता ही नहीं, मैं एकदम देखे मैं निकल जाता हूँ। तो मतलब उसमें भी कोई कंप्लेंट या कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ? नहीं नहीं। अच्छा आप मेरे को बता रहे थे एक बार बैटरी से रिलेटेड इशू हुआ था। हाँ हाँ, तो वो क्या सीन हुआ? देखिए वो टाटा से ना एमरन की बैटरी आता है एकदम, वो जब अब नया परचेस करते हो तब से, एंड मेरा भी ऐसा ही था, तो मेरा बैटरी का इशू ये हो गया था कि ये इसी साल जनवरी की बात है, तो बैटरी की वारंटी था 1.5 years, सो मेरा ये मैं ये लिया था अगस्त में, 4th अगस्त में डिलीवरी लिया था, फिर उसके बाद क्या हुआ ना, 1.5 साल ख़त्म हुआ ये जनवरी में, एंड जिस दिन ख़त्म हुआ उसी दिन के बाद ये इसका बैटरी डाउन हो गया एंड गाड़ी स्टार्ट नहीं लिया, एंड मैंने कॉल किया था वो उसका जो एमरन का वो कस्टमर केयर सर्विस है, वो बोला सर अरे आपका तो वारंटी कल ही ख़त्म हो गया, अरे यार छोड़ो, तो वो एक दिक्कत है, मतलब शायद मेरे साथ हुआ, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, मेरे को ये नहीं लगता कि सबके साथ ये होता है, क्योंकि एमरन बहुत अच्छा ब्रांड है, तो उसके बाद मैं एक साइड में शिफ्ट कर गया, नाउ आई एम क्वाइट हैप्पी। वो कंपनी से करवाए थे कि बाहर से करवाए थे? नहीं नहीं, बाहर से करवा लिया। अच्छा, लेट्स बिगिन विद द जूसी स्टफ, 5 चीज जो इस गाड़ी में एकदम ही पसंद नहीं है। ये जूसी स्टफ है एनीवेज, 5 चीज इस गाड़ी में पसंद नहीं। पहला इसका लॉक जो अभी ठीक हो गया, न्यू जनरेशन आई हैव सीन इट,
उसका उसमें नया लॉक जो आ गया वो सही है, लेकिन इस जनरेशन में मतलब मेरा 2022 वाला जो था इसमें ये लॉक जो है, ये देखिए मैं गाड़ी चला रहा हूँ ना, एक मिनट अभी दिखा रहा हूँ, थोड़ा रिस्की है, 1 मिनट, या सी आई मेरा गाड़ी चल रहा है, आई कैन सिंपली ओपन दिस डोर, ड्राइवर डोर ओपन, ये बोलता जरूर है ड्राइवर डोर ओपन, अरे भाई ओपन होने के बाद एक्सीडेंट हो जाता है ना। सो ये पहला चीज है, मेरे को बहुत अच्छा नहीं लगता। दूसरा चीज इसका जो यहाँ लाइट है गाड़ी के अंदर, इंटीरियर लाइट इस ये रहा सिर्फ सामने, बट ये अंदर भी डार्क एडिशन है ना, लेकिन पीछे वो लाइट जाता नहीं, इसलिए इधर एक लाइट हो जाता तो अच्छा रहता। ये मतलब मैं ये मतलब क्या बोलूं, ये एक छोटा सा माइनर इशू है, बस चुपता हाँ ठीक है, पीछे वो देखते जाओ तो वो फोन का टॉर्च ऑन करना होता है, क्योंकि वो डार्क एडिशन है, पूरा अंधेरा हो जाता है ऐसे। इसके बाद और क्या ही बोलूँ, इसके बाद आई कैन नॉट फाइंड एनी अदर डिफिकल्टीज आई एम फेसिंग, मतलब सिर्फ दो ही प्रॉब्लम है yeah। और पांच चीज अगर मैं पूछूं कि जो मेरे को जो आपको इस गाड़ी में पसंद है, पांच चीज इसका स्टॉक जो म्यूजिक सिस्टम है, एक्चुअली आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक सिस्टम्स एंड द होल थिंग्स, एंड इसका जो मतलब ऑलरेडी स्टॉक वाला जो ऑप्शन है किसका हरमन का आता है, बहुत ही अच्छा है, मेरे को एक्स्ट्रा करके बाहर से खरीदना नहीं हुआ, जैसे कि मेरा होंडा सिटी में मैं बाहर से रॉकफोर्ड फर्स्ट का लिया था, बट इसमें नहीं लेना हुआ। वैसे साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा है, मुझको तो बहुत अच्छा लगता है, देखो आई एम अ वेरी मिडिल क्लास गाय, सो आई कैनॉट यू नो कंपेयर दिस विद मार्शल और यामा, बट ये अच्छा है, लाइक फॉर मी इट्स नाइस। और दूसरा दूसरा अच्छा चीज इसका स्मूथ, में जैसे कि आपको पहले भी बताया इसका स्मूथनेस, मतलब मैं जैसे ये बोला ना, मैं बाहर जाता हूँ मेरे फैमिली के साथ, मेरे बगल में जैसे आज बैठा है मेरे पापा बैठते हैं, मैं पापा को साइड में बैठा के 150 का स्पीड भगा रहा हूँ, पापा को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, आराम से सो रहे हैं, ये है स्मूथनेस हाईवे में। ऑफकोर्स रास्ता भी अच्छा है, लेकिन स्मूथनेस बहुत अच्छा है, मतलब यू डोंट फील एनी दैट वाइब्रेशन आफ्टर 100 किलोमीटर्स पर आवर, सो ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छा लगता है, लाइक इट्स अ वेरी स्मूथ एंड सेफ ड्राइव। एंड तीसरी चीज तो हम खुद बोल देगा इस गाड़ी का लुक्स, हाँ ब्लैक कलर में डार्क एडिशन में टाटा अल्ट्रस, तो मानो लगता है कि बैट मोबाइल है, अपना देसी बैट मोबाइल ठीक है, आपने तो थंबनेल में देख ही लिया है, लुक्स में तो एक नंबर, लुक्स बहुत अच्छा है। और चौथी चीज जो मैंने चला के देखा वो है कि इस गाड़ी का जो हेडलाइट परफॉर्मेंस है वो काफी बेहतर है। वैसे ये हेडलाइट मैंने चेंज करवाया है, एलईडी जो लाइट्स है अच्छा। मैंने खुद चेंज करवाया, प्रोजेक्टर हेडलैम्प वो कंपनी से आता है, लेकिन वो येलो कलर का होता है, लेकिन उसका पावर ज्यादा नहीं था अच्छा। अब ये लाइट मैंने चेंज किया, सॉरी आई डिडंट मेंशन अर्लियर, ओ मेरे को लगा वो स्टॉक आता है, नहीं स्टॉक नहीं आता। और अगर अच्छे की बात करूँ तो इसका जो सीट है अच्छा है, मतलब इसका वो जो बोल्स्टर बोलते हैं इसको, उतना मैं जानता नहीं हूँ वैसे, लेकिन हाँ बहुत अच्छा है, एंड विजिबल रेंज इज ऑल्सो नाइस, लाइक आई एम 6 feet टॉल, एंड मेरे को एकदम नीचे करके जो वैसे मैं चलाता हूँ वो सीट एकदम द हाइट द पोजिशन ऑफ द सीट इज एकदम द ग्राउंड लेवल, बट स्टिल द विजिबिलिटी रेंज इज वेरी नाइस, आई थिंक ये अच्छा है। अगर मैं बात करूँ कि मेरे को जो इस गाड़ी में कुछ सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी जो लगा टाटा और हुंडई में, तो थोड़ा रिफाइनमेंट का इशू है अगर मैं हुंडई के साथ कंपेयर करूँ, क्योंकि हुंडई का गाड़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्मूथ लगता है मुझे पर्सनली। और इसके अलावा मैं बताऊं तो सिमिलैरिटी ज़्यादा है, इसका म्यूजिक सिस्टम काफ़ी बेहतर है, मैं ग्रैंड एटेंशन से बगैर मैं बोलूं, इसका एसी भी काफ़ी बेटर है, इसका स्टीयरिंग व्हील का जो फील है वो काफ़ी बेटर है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डायरेक्ट है, ग्रैंड एटेनियोस में कभी कभार वीक लगता है, बट मैं उसका भी एक प्रॉपर ओनरशिप आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और इसके अलावा इसमें एक पंचीनेस है, अगर मैं पंजा दबाता हूँ जो एक्सेलेटर में थोड़ा स्पीड बढ़ाने के लिए, ये तुरंत कैच करके अपना स्पीड बढ़ा लेता है। चीज़ जो उनको एकदम ही पसंद नहीं है, तो सबसे पहले उन्होंने जो बताया, जो अभी 2024 में अपडेट के बाद वो चेंज हो चुका है, गाड़ी का लॉक इस तरह हो जाता है, तो यही चीज़ उनको पसंद नहीं है, क्योंकि अगर कोई पीछे बैठा है अगर कोई खींच देगा तो गाड़ी अनलॉक हो जाएगा और अचानक से दरवाज़ा खुल भी जाएगा। हेडलाइट का अगर मैं परफॉर्मेंस दिखाऊं तो काफी पावरफुल हेडलाइट है, तो
तो अगर इनिशियल इंप्रेशन में जो एज अ हुंडई ओनर अगर टाटा से रिलेटेड बोलूं, ये सब मैं चीज बोलना भूल गया था, सीट अल्ट्रास का बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, इतना कंफर्टेबल है मतलब सच बोलूं तो मेरे गाड़ी में अभी मैं अपना गाड़ी चला रहा हूं तो मतलब उसमें मतलब एक तो सीट चौड़ा बहुत है, उसका बोलस्टर बहुत ज्यादा है, आपको लगेगा सीट पकड़ के बैठा है। ये जो चीज है ना ये बहुत बढ़िया, उसका स्टीयरिंग व्हील तो डायरेक्ट है, ये तो मैंने पहले ही बोल दिया। उसके अलावा एक और चीज है, उसका स्टीयरिंग व्हील का जो लेदर है वो ओरिजिनल लेदर ही है, बट उसमें जो पकड़ने का जो फील होता है ना वो भी बहुत बेटर है। आपको हर एक बटन आप अगर यूज करते हैं तो उसमें लगेगा कि हाँ एक क्या बोलते हैं हेवी बिल्ड वाला गाड़ी मैं चला रहा हूं। तो इसीलिए मेरा मतलब अगर आप लोग को है कि एक सेफ्टी वाला हैचबैक चाहिए, क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, उस हिसाब से मैं बोलूंगा आप ऑल्ट्रास जरूर देखिए, बहुत अच्छा लगा। मैं एज अ हुंडई ओनर टाटा चलाकर इज अ प्रीटी नाइस कार। और एक और चीज है अगर मैं बोलूं जो सस्पेंशन के अगर बारे में बात करूं तो हुंडई में अगर मैं बोलूंगा कि मच बेटर कैलिब्रेशन है सस्पेंशन का टाटा के मुकाबले, क्योंकि रफ पैचेस में बम्स हिट होता है, अच्छा खासा हिट होता है भले ही सीट कंफर्टेबल हो। मैं एज अ कंपेयर कर रहा हूँ हुंडई से टाटा का, क्योंकि मेरे पास ग्रैंड वेटे न्योस है और वो टाटा मतलब अल्ट्रास है, और मेरे को पता है दोनों अलग अलग कैटेगरी का मतलब मार्केट को टारगेट करता है, बट चीज क्या है ना कि मैं एज ए ओनर अपना पर्सपेक्टिव भी आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से मैं बोलूंगा बम्पी रोड पे गाड़ी हिट होता है। और एक और चीज है कि स्टीयरिंग भले ही डायरेक्ट हो बट थोड़ा रफनेस है, अगर आप राइट लेफ्ट को मोड़ेंगे थोड़ा रफनेस आपको फील होगा। तो दोस्तों ये था एक टाटा अल्ट्रास का छोटा ओनरशिप रिव्यू जो मैंने आपके साथ शेयर किया। मैं जहाँ तक हो सके आपको मैं सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया ताकि आपको सही चीज़ का आंसर मिले, आपका मन में कोई संकोच ना रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नया ब्लॉग में, तब तक के लिए लाइफ को एंजॉय कीजिए, खुश रहिए, टाटा।